और की करना है, खुद उठा देते हैं आप लोग, काम भी तो करना है। इतनी बदतमीजी करती है मेरे साथ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है और साज चावल बना लिए सबकी फरमाइश पर। और ये बाजी जी हैप्पी बर्थडे करने लगी हैं अंडे की। हाँ जी दरमियान से दो पीस कर दें, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम विराज जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं, उम्मीद करते हैं जी आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो ये बात आज संडे है जी, हार भी छुट्टी है जी स्कूल से, तो आज आपके साथ ये संडे जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर होगी। तकरीबन जी 10 बज चुके हैं, तो सुबह वालों ने जो सुबह नाश्ता कर लिया है, लेकिन मैंने सिर्फ जी सुबह चाय पी हुई है। तो आज आपके साथ जी पता नहीं जी क्या पकाना है, क्या खाना है, अभी कुछ पता नहीं है। भाई चलते हैं, बाजी वहाँ पर जी नाश्ता बना रही है, चल कर पूछते हैं। मौसम भी जी आपको दिखा देते हैं, अभी तो मैं कमरे में आई हूँ जी, अभी अभी मैं छत पर आई हूँ। तो चलते हैं जी बाजी की तरफ। तो सबसे पहले जी यहाँ से आपको मौसम दिखा देते हैं नीचे वाले पोर्शन से। और ये देखिए यहाँ पे तो चने भिगोए हुए हैं बाजी ने। चलो जी ये मुझे लग रहा है चने भगने के, तो मौसम दिखाते हैं जी। बहुत ही प्यारा मौसम है वैसे तो, और ब्राइट ब्राइट दिन है माशाल्लाह जी, और हवा भी है, गर्मी भी है, दोनों जी मिला जुला मौसम है आज। तो हवा चल रही है जी, ये देखिए जी यहाँ पत्ते जो है वो खिल रहे हैं। तो खामोशी है जी इस वक्त तो डेरे पे। चलते हैं जी अंदर, और बाजी यहाँ पे नाश्ता बना रही थी। नाश्ता बन गया बाजी? अच्छा, हबीब साहब का नाश्ता बना है ना, बाकी साहब ने कर लिया? सब ने कर लिया। तू सावी? हां मैं, बाजी ने भी, तसीफ ने भी। अच्छा सब ने कर लिया। हबीब साहब को जी फोन करते हैं क्योंकि उन्होंने बोला था मेरा नाश्ता बना दे। नाश्ता बन गया, ठंडा ना हो जाए। अच्छा चलो ठीक है जी। और ये है जी हबीब साहब का नाश्ता, रात को जो बनाया था सालन, अरवी चिकन, चाय और ये पराठा। यहाँ पे रखते हैं जी, बिस्मिल्लाह करके जी। चलो जी हबीब साहब आ गए हैं। हाँ जी नाश्ता तैयार हो गया। इधर है आपके अंदर नाश्ता रख दिया। अच्छा चले जी, नाश्ता तैयार हो गया आपका, टाइम सही। इधर आपने आवाज़ दी और इधर आपका नाश्ता तैयार, ठीक हो गया। आज सालन रोटी और चाय है। बिल्कुल है? मैंने तो यहाँ पे ब्रेड देखे थे इधर। चले जी नाश्ता करें और आपके लिए पंखा लगा देते हैं, नाश्ता कर ले तो फिर पूछते हैं जी क्या आपका ना खाना है। ठीक है। चलो जी बाजी भी आ गई है जी, तो सीप को जाए बना के दी है। चलो जी बाजी से पूछते हैं जी आज क्या बनाना है खाने में। चने तो पे हाँ, चने जी भगो कर रख। चिकन डालना है या अंडे डालने? तो अंडे डालना। अंडे डालने, चलो सही है। अंडे बालो, चिकन बालो। साथ चावल बनाने? चिकन दही अंडे मुर्गी। हाँ जी साथ चावल बनाने? चलो ठीक है जी। कल तो गैस ने बड़ा मसला किया हुआ था, टाइम से शुरू कर लेंगे। ठीक है जी, चने बनाने हैं जी आज। ठीक है। अंडे हैं घर में या लाने वाले हैं? नहीं ले आने वाले थे। तो फिर ले आएंगे हबीब साहब? हम ले आएंगे। चलो सही है, ठीक है जी। आज जी हमारी रेसिपी बनेगी चनों वाली, साथ कोशिश करें चावल बनाए। गैस पे डिपेंड करता है, गैस ना चली जाए फिर, नहीं तो फिर रोटियां बाजार से मंगवानी पड़ेगी। गैस होई तो फिर चावल का भी दाम। ठीक है जी। ना होई तो रोटियां ले आवन बाजार। ठीक है जी, ओके 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 ओके। और की करना है, खुद उठा देते हैं आप लोग, काम भी तो करना है। इतनी बदतमीजी करती है मेरे साथ, काम भी तो करना है, और क्यों ना करना काम। बाजी हम बदतमीजी कर रही हैं, देखिए जी जरा। नहीं रोटी बची तो उसे देने आए, बदतमीजी जी। खुद ही तो उठा के भेज रही है, जाए नीचे। वो आप इधर ही लेटे।
नहीं नहीं मैं नहीं आप लेटूंगा, इधर ही लेटा, नीचे पंखा लगाना है, फाल ना कोई बात नहीं, चले भी बस पूछ लेंगे आप, पता लाए जा रहे कौन, ये देखे जी अभी साहब बहस करके हमसे लड़कर नीचे जा रहे हैं, मैं तो घर पे नहीं होती, बाजी को सारा पता होता है, मैं तेरी कैट रखनी होती है ना सही है सही है मुझे तो पता ही नहीं इन सब बातों का जी, क्या बीब साहब पीछे क्या करते हैं मेरे स्कूल जाने के बाद, इसी लागे कमरा बंद करके सो जाना, हाँ ये देखे जी याशी जा रही है, ठीक है मेरे आने से पहले भाग दौड़ शुरू हो जाती है, कभी बाजार कभी इसको छोड़ कभी उसको छोड़, यहाँ पे जी बाजी बनाने लगी हैं खीर, क्योंकि बाजी कह रही हैं थोड़ा सा दूध पड़ा हुआ था शायद उसको ज़्यादा वो हीट लगी है, चाय अभी भी बनाई है, हाँ फुटियाँ बननी स्टार्ट हो गई, चले उसकी खीर बना लेते हैं, यहाँ पे बाजी ने चावल ये देखें जी एक प्याली भिगोए हुए हैं और ये देखें जी ये दूध है तो इसमें भी हम खीर बनाएंगे डाल, थोड़ी थोड़ी फुटियाँ बन गई और ज़्यादा बन गई अब तो ना पड़ा रहा है तो शायद इस वजह से, अलग ये फ्रेश दूध है सुबह वाला, पानी समेत ही बाजी ने चावल डाले, पानी नहीं पड़ा थोड़ा सारा सही, वैसे ये दूध बिल्कुल ठीक है जी क्योंकि इसमें स्मेल नहीं आ रही, इसकी खीर अच्छी बन रही है, हाँ जी फ्रेश सुबह का दूध है, कोई दही की छिट पे गई या की हो गया, हाँ ये जो है तो हो सकता है, दादी कह रही है लग रहा है कि इसमें दही का कुछ छीटा पड़ गया, चले जी ये उबाल आ गया जी, अब हल्की आंच पे ये खीर तैयार हो जाएगी है ना, चलो जी हल्की आँच जी चावल गाल जान देना फिर चीनी पाओ, ठीक मैं जी छत पे आ चुकी हूँ तो बाजी भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो ठंडी ठंडी हवा चलती है बहुत ही जी यहाँ पे बैठने का मज़ा आता है, तो ये चल पाई है यहाँ पे जी, मैं आप वीडियो वगैरह की एडिटिंग वगैरह वो सारी चेक करूँगी देखूँगी और काफ़ी टाइम भी यहाँ पर मेरा स्पेंड हो जाएगा, उसके बाद खीर बन जाएगी उसके बाद जी फिर हंडिया बनाएंगे, और ये देखिए जी खीर जो है वो तैयार ही है, थोड़ा सा कसर है अभी है मिक्स हो रहा है, चावल जरा गल गए हम जरा मैं उन्होंने ना मिक्स कर लिया, खीर जगह बनती है ना ये जगह बन गई, तो अभी मैं ये देखे जी खीर तैयार हो गई है और ये देखे जी मैं नीचे लेकर आ गई हूँ, सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे थी फिर जी दरमियान वाले में फिर जी पकते पकते फिर इतनी ज्यादा गर्मी हो गई, एक बज गया जी दोपहर का, तो मुझे लग रहा है टेस्टी बनी होगी क्योंकि बाजी ने मेहनत की है जी थोड़ी सी, बहुत मजेदार बनी है, सही बात है मजा आ गया, सही बनी है जी टेस्टी बनी है माशाल्लाह, अभी बहुत गर्म है ठंडी होती है जी फिर इसको खाते हैं, वैसे मुझे तो भूख लगी थी मैंने सिर्फ एक कप चाय पिया, ठंडी होगी ना फिर मजा आएगा, हाँ जी, तो मैं शाम के जी चार बज चुके हैं और मैं जी यहाँ कपड़े वाश कर रही थी अभी यहाँ पे डाले ऊपर आई हूँ जी छत के ऊपर, तो ये चने जी सुबह से इधर ही भिगो के रखे हुए हैं, अंदर चलते हैं जी और अपने चनों को वाश करते हैं और बॉयल होने के लिए रखते हैं और फिर जी मसाले की तैयारी करते हैं, मैंने चने रख लिए कुकर भी रख लिया तो आधा किलो जी हमारे चने हैं इसको जी कुकर में डालते हैं बिस्मिल्लाह करके जी, और इसमें पानी डाली है, अब इसमें जी मैं डालूंगी चुटकी भर सोडा, आधा चम्मच जी नमक डालेंगे, तो अभी बस 10 से 15 मिनट का जी वेट लगाते हैं और चने गल जाएंगे, अब साथ ही जी अंडे भी हैं, अंडों को भी जी यहाँ में वाश करके बॉयल होने के लिए रख देते हैं, तो अभी बस ये हैं जी हमारे 8 अदद अंडे, इनको जी वाश कर लेते हैं अच्छी तरह,
यहाँ पे जी मैंने अंडे और चने बॉयल होने के लिए रख दी है, तकरीबन 10-15 मिनट लगेंगे जी। और उस वक्त एक अंडा जी हमारा वो जरा तो उसको ठोकर लगी थी, बाजी गई है जी वो चेंज करने, वो लेके आती है तो वॉश करके जी उसको भी सिम में डाल देते हैं, 8 मिनट करेंगे जी बॉयल। और वहां से जी मैंने जो जो चीजें लेनी है वो लेकर छत के ऊपर जा रही हूँ, और ऊपर जाकर जो हम कटिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे हवा वगैरह नहीं लगती, गर्मी लगती है। तो अभी बस मैं छत पे आ चुकी हूँ जी और बहुत प्यारी हवा है जी। तो ये मैंने बनाई है जी ग्रीन टी, क्योंकि जी मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो ये लेमन भी है ये डाल के जी मैं पीऊँगी, और उसके बाद जी कटिंग वगैरह करते हैं प्याज टमाटर वगैरह सब। तो अभी बस यहाँ पे जी ये मैंने प्याज और टमाटर की बस कटिंग कर ली है जी, और नीचे चलते हैं जी और इनको ग्राइंड करके लाते हैं। तो भी आज मैं नीचे आ चुकी हूँ जी, और ये हैं जी हमारे प्याज, तकरीबन छोटे छोटे प्याज हैं जी, तकरीबन 4 अदद, और बड़ा जी एक प्याज ही है, तो इसको जी ग्राइंड करते हैं। तो भी बस यहाँ पे जी मैंने प्याज और टमाटर को जी ग्राइंड कर लिया है, वहाँ पे चलकर जी अपने चने और अंडे चेक करते हैं जी। अंडे भी जी बॉयल हो चुके हैं और ये चने भी जी बाजी ने चेक कर लिए, क्योंकि बाजी वहाँ देखे जी बैठी हुई है, बाजी कह रही है मैंने चेक किए हैं तो गल चुके हैं जी। ठीक है जी, अब इन सारी चीज़ों को जी लेकर ऊपर चढ़ते हैं क्यों बाजी, और फिर हंडिया जी स्टार्ट करते हैं। हमारे चले और जो इसमें से जी पानी निकला है वो भी हम साथ लेकर ऊपर जा रहे हैं, तो बाजी वहाँ पे जी थोड़े से चने निकाले, ये देखिए जी ये थोड़े से जी चने निकाले हैं, तो इनको जी बाजी जो है वो ग्राइंड करने लगी है, और मैं जी ऊपर जा रही हूँ रेसिपी स्टार्ट करने लगी। तो भी यहाँ पे जी चना रेसिपी की सारी तैयारी हो चुकी है जी, और बाजी भी बाकी चीजें ले आई है जी, तो सबसे पहले जी फिर इसमें डालते हैं जी हम घी। तो भी बस आज स्पेशल रेसिपी होने वाली है लाहौरी चने, आप ही हमारे साथ साथ रहने हैं और जो स्किप नहीं करना। तो घी जी हमारा गर्म हो चुका है, आप इसमें जी सबसे पहले हम डालेंगे साबुत मसाले हैं जी, ये जीरा, काली मिर्च, ये दालचीनी, बादियान का फूल, तेज पात, और ये है जी लौंग। तो बिस्मिल्लाह करके जी हम ये को जी डाल देंगे। यहाँ पे डालेंगे जी प्याज जिनको जी हमने ग्राइंड किया हुआ है, बिस्मिल्लाह करके जी डाल देते हैं। यहाँ पे जी बाजी जो है वो अंडे जो बॉयल हुए हैं उनके छिलके उतारने लगी हैं, और बाजी वैसे ही जी मेरे पास बैठ गई हैं, बाहर से आई हैं, तो कहती हैं कि मैं भी देखती हूँ जी आज रेसिपी किस तरह बनती है, छिट ना पै जाएगा। ये है जी लहसुन अदरक का पेस्ट है जी, इसमें जी 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और छोटा कट्ठा लहसुन का और 5-6 अदद जी हमारे साथ लेते हैं, तो इनको भी जी हम डाल लेते हैं। प्याज जी हमारे हल्के हल्के जो फ्राई हो चुके हैं, तो इनका कलर तो चेंज नहीं होगा क्योंकि इनको हमने ग्राइंड किया हुआ है। तो अब यहाँ पे जी मैं डाल दूँगी ये टमाटर, इसका पेस्ट, ये जी 1 अदद टमाटर है, थोड़ा सा पानी डाला हुआ इसलिए ये पतला है, इसके ला करके डालते हैं। यहाँ पे जी हम डालेंगे 1 प्याली दही, इसके ला करके भी डाल देते हैं, और यहाँ पे जी अब इसको थोड़ा थोड़ा जी फ्राई करेंगे ताकि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए।
यहाँ पे बाजी लगा रही है जी आज प्याज, उस दिन क्या जी प्याज पड़े हुए कल के, तो वो धूप में ही पड़े रहे हैं। मैंने सोचा शायद जी यहाँ पे लगाएंगे तो वो थोड़े हरे भरे हो जाएंगे। यहाँ पे डालेंगे जी अपने मसाला जा, क्योंकि मसाला भी हमारा थोड़ा थोड़ा खुश हो, पानी खुश हो चुका है दही वाला। एक चम्मच नमक और ये एक चम्मच जी डालेंगे मोटी कुटी हुई सरसों मिर्च और आधा चम्मच डालेंगे जी पिसा हुआ सूखा धनिया। आज ये तीन मसाले डालेंगे और इसको जी दोबारा से हम फ्राई करेंगे। फिर हम हल्दी और सरसों मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें डालेंगे कि एंड में हम काली मिर्च। बाजी ने प्याज बता दी है तो अब ये अल्लाह करे जी यहाँ पे प्याज वो जो खराब हो गया वो उगाए। तो अभी वैसे मसाला भी हमारा फ्राई हो चुका है और घी भी निकल आया है इसमें, देखिए जी। तो अब इसमें मैं डालूंगी जी चने और चने हैं जी हमारे आधा किलो, बिस्मिल्लाह करके जी हम डाल देती हूँ। तो मेरे चने को जी मैंने 2 से 3 मिनट तक फ्राई किया है तो बहुत अच्छे तरीके के साथ अब घी भी निकल आया है। तो यहाँ पे ये वाला जो पानी है जी जिसमें हमने चने बॉयल किए थे उसको ड्राई नहीं करेंगे, इसमें भी हम डालेंगे बिस्मिल्लाह करके जी। तो फिर आज को जी मैंने काम कर दिया और इसको जी थोड़े से उबाल आते हैं और सारा कुछ मिक्स हो जाता है चनों के साथ मसाला वगैरह, तो फिर ये जो हमने मसाला चनों का है भी ग्राइंड किया हुआ तो वो जी आप इसमें डाल दें। तो अभी बस यहाँ पे जी चावलों की तैयारी हो गई है, बाजू में चावल वाश कर लेंगे तो हंडिया थोड़ी सी तैयार होती है तो फिर जी हम अपने चावल बनाएंगे। पहले ज़्यादा था जी तंदूर रोटी का, अचानक से चेंज हो गया जी चावल, क्योंकि चनों के साथ जी चावल अच्छे रहते हैं। यहाँ पे जी चनों का अच्छी तरह उबाल आ गया तो अब ये वाला जो चनों का वो ग्राइंड किया हुआ मसाला है वो डाल देती हूँ बिस्मिल्लाह करके जी, ताकि हमारे जो चने हैं वो बहुत ही घने घने बने। काम करती है जो यहाँ से गाड़ी गुजर रही है जी दिखा दे। देखिए जी सूरज गुरूब हो चुका है, मदम सा जी नज़र आ रहा है, यहाँ से आपको दिखा देते हैं जी। ये देखिए जी गांव का जी खूबसूरत व्यू दिखाते हैं आपको, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू। और ये देखिए जी पठान बच्चे हैं जी, ये छत के ऊपर बैठे हुए हैं खेल रहे हैं शायद, तो माशाल्लाह देखें जी शाम का व्यू बहुत खूबसूरत हमारे गाँव का। और ये देखें जी बाजी मीना यहाँ पे चली गई हैं दूध लेने, यहाँ पे जी डेरा है तो दूध लेने चली गई हैं जी ये वाला। और यहाँ पे बाजी आ गई हैं जी, गरम मसाला ले लिया है। चले जी अब ये हंडिया इस साइड पे कर दे, थोड़े से जी चने जो हैं वो पक्के हो जाए कट जाए। यहाँ पे जी आज थोड़ा घी नहीं डाला, थोड़ा हाँ जी थोड़ा थोड़ा सा और डालें, 1 किलो है ना चावल, थोड़ा सा और डालेंगे तड़का लगना है। चले जी घी जी बाजी ने डाल ली है तो आप ये गर्म होता है तो फिर जी इसमें साबुत मसाले डालते हैं। और ये है जी ज़ीरा और ये तेज़पात दालचीनी डाल दें जी, अब इसका जी तड़का लगेगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 2 किलो पानी है जी, अब इसको डाल देते हैं, तड़का लग चुका है। वो
उबाल आता है तो फिर जी डालते हैं चावल। उबाल आ गया जी, अब इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक। और ये हैं जी हमारे एक किलो चावल कायनात के, तो ये भी डाल दें जी बाजी। बिस्मिल्लाह करके भी डाल दें। चले जी दम, अब जी उबाल आता है तो फिर इसको दम वगैरह लगाते हैं। आज जल्दी नहीं खाना बन गया? हाँ जल्दी बन गया। चलो सही है जी। फिर जी मगरब की अजान हो रही है वहाँ पे जी, लाइटें ऑन होना स्टार्ट हो गई हैं, तो बाजी भी जी यहाँ पे लाइट ऑन करने लगी है। और ये देखिए जी लाइट ऑन हो गई है, रोशनी हो गई है, और बाजी ने यहाँ पे लगाना है जी दम। ऐसे ही है, पानी खुश्क हो गया। चले जी दम लग गया 10 से 15 मिनट का जी। और उस वक्त तक जी नमाज़ पढ़ लेते हैं क्योंकि जी टाइम मगरब का हो चुका है, यहाँ पे अजान हो रही है जी। ये देखिए जी गाड़ी यहाँ से गुजर रही है, लाइट उसकी ऑन थी। यहाँ से जी गाड़ी गुजर के जा रही है। तो भी हल्की आंच पे जी मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक रखा हुआ था, और यहाँ पे देखिए जी घी ऊपर आ गया जी, हमारी हंडिया जो है उसकी लुक माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन चुकी है। तो अब यहाँ पे जी हम डालेंगे अंडे। जी आधा चम्मच हमारा गरम मसाला मिक्स, तो अब इसे जी हम डालेंगे, बिस्मिल्लाह करके जी डाल देते हैं। और ये है जी स्पेशल इंग्रेडिएंट्स इस रेसिपी का, ये है जी काली मिर्च, तो अब इसे जी आधा चम्मच इसका भी जी हम डालेंगे। और यहाँ पे डालेंगे जी आप धनिया, बिस्मिल्लाह करके जी धनिया भी डाल देते हैं। फिर ये हैं जी हमारी 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, इनके जी हमने बारीक बारीक किस तरह जी कतले किए हुए, तो आप इनको भी जी डाल देते हैं। चलो जी अब थोड़ा सा जी से दम आने देते हैं और फिर जी हमारी चूल्हा तैयार है। तो भी बस चटाई लगाते हैं जी और दस्तरखान भी बिछाते हैं क्योंकि तुसीम ने काम पे जाना है, फिर वो लेट हो जाता है। चूल्हे को जी बंद कर देते हैं, अभी तक दम लगा हुआ है, हंडिया मैंने बंद कर दी है। और ये आ गई है जी दही, और ये आ गया जी अचार। तो बिकॉज आजकल जी रायता सलाद जो है वो बिल्कुल ही हम बना रहे हैं क्योंकि सबकी डिमांड होती है अचार रखा जाए। अचार चलिए ठीक है, आ गया जी सब कुछ, दस्तरखान पर लग गया जी माशाल्लाह, तो सीट भी आ गया है, तो खाना जी आपके साथ में शेयर करते हैं। नहीं जी बिस्मिल्लाह करके जी बाजी डालने लगी है खाना। सबसे पहले जी चावल है जिसमें खिले खिले बने हैं माशाल्लाह, जीरे वाले बनाए हैं। बिस्मिल्लाह करके जी खाने का आगाज़ कर दिया है, ज़बरदस्त चावल बने हैं। एक साइड पे जी बाजी मेरे हाल में चावल डाल रही है, है ना, साइड पे सालन डालूंगा। हाँ जी दूसरे साइड पे चने डाल देंगे। चले जी ये पांचवी प्लेट है, तो पहले इन पे जी सालन डाल लें बाजी, फिर बाद में बच्चों का वो गर्मा गर्म डाल दीजिएगा, ठीक है।
और चावल डाल लिए हैं जी 5 प्लेटों में, तो अब डालने लगे हैं जी अपना सालन चनों वाला और अंडों वाला। लाहौरी चने जी आज बनाए हैं हबीब साहब, हंस रहे हैं जी, आपको हंसी क्यों आ रही है जी? जबरदस्त भाई, देखते हैं ना कैसे बनाए। अच्छा, आपने क्यों, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अच्छे बने होंगे। अच्छा चलो ठीक है, तो सही, तुम्हारे चाची मुस्कुरा रहे हैं। अच्छे बने होंगे, चलो ठीक है जी, पता नहीं किस बात पर जिनको हंसी आ रही है। चलो जी हाँ जी, बिस्मिल्लाह करके जी डाले, और ये जी अंडा तो बिस्मिल्लाह करके पहले ही आ गया जी। लुक देखे जी चलो कि माशाल्लाह ज़बरदस्त, क्या बात है जी, मुंह में पानी आ गया मेरे तो, आपका भी पानी आने वाला है मुंह में, सब्र करें। पानी आएगा। तो ये लुक अच्छी नहीं लग रही? अच्छी लग रही है ना, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए जी हमारी रेसिपी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, और साथ जी चावल बना लिए सबकी फरमाइश पर। चला ज़बरदस्त लुक है जी, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है जी। चले जी, और ये है जी आखिरी प्लेट, बाद में जी बाकी 2-3 प्लेटें बनाएंगे बच्चों की। लुक देखें जी, चना लाहौरी चना अंडा रेसिपी, और साथ वाइट चावल ज़ीरे वाले। और ये देखें जी, आपको दोबारा से लुक दिखा देते हैं जी अपनी रेसिपी की और चावलों की। चले जी, और ये बाजी जी हैप्पी बर्थडे करने लगी हैं अंडे की। हाँ जी, दरमियान से 2 पीस कर दें, ठीक है जी। चलें जी, सब जी अंडों के 2-2 पीस कर दिए हैं बाजी ने, और जो बाकी बच गए हैं बच्चों को इसी तरह कर दें, ठीक है। चल जी, खाना जी खाते हैं और आपके साथ जी शेयर करते हैं। क्यों जी, दिल खुश हुआ? हाँ जी, ज़बरदस्त, खा के पता लगेगा ना। तो भी बस अब आपके साथ जी खाना शेयर करते हैं, क्योंकि जी खाना सामने आ चुका है जी, शुक्र अलहमदिल्ला। लाहौरी चने जी हमारे इतने जबरदस्त बने, क्या लुक भी अच्छी है जी, और उसका टेस्ट भी लाजवाब बने, लाजवाब। तो माशाल्लाह जी बहुत ही जबरदस्त खाना बना है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, इतना अच्छा खाना खाने को मिला है जी, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो ये बस आप खाना खाएंगे जी, और आपसे जा चाहते हैं हसबैंड वाइफ रिक्वेस्ट होती है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देंगे, और हमारे जितने बहन भाई दोस्त आप हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे सबके लिए अल्लाह पाक इजाफा फरमाए, सबको सेहत और तंदुरुस्ती का आमीन सुम्मा आमीन। तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी जो संडे की रूटीन है वो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इजाज़त नहीं दी तो ठीक है, उसके साथ फिर हमें इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।